चाची हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं संगम। ये हमारे एकदम सिंसियर ड्राइवर जो चलते टाइम बिल्कुल बात नहीं करते हैं, बिल्कुल आवाज भी नहीं निकलती है इनके मुंह से, बिल्कुल नया ड्राइवर रखा है। नया ड्राइवर, नया नया अपॉइंटमेंट, देखो कुछ नहीं बोलेंगे वो, सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और सीएस ब्लॉग का क्या कहते हैं इसको, फॉलोअर है और प्रशंसक भी है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये हम लोग इलाहाबाद आ गए हैं और अभी रात हो गई है, तो शायद हम लोग आज ना जाए संगम, सुबह जा सकते हैं कल सुबह। लेकिन ये अभी भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं आपको है। और अभी भी चलेंगे और सुबह में भी चलेंगे, दोनों टाइम। हमारे चाचू यहीं इलाहाबाद में ही रहते हैं, तो हमसे ज्यादा जानकारी तो ये दे सकते हैं आपको, तो अब इनसे ही पूछिए। आप बताइए भैया क्या। बिल्कुल दोस्तों, तो हम लोग रात में भी संगम का नजारा देखेंगे, क्योंकि देखिए लाइट्स इतनी लगी हुई हैं, और इसके अलावा हम लोग सुबह में भी देखेंगे, रात में भी कुछ अलग ही आनंद होता है ना, आप लोग जानते ही हैं। बिल्कुल आ गए फिर से होटल पोलो मैक्स, फिर से यहीं रुकना पड़ेगा, रात का स्टे है, इलाहाबाद का स्टे है। चलिए इसके भी अंदर देखते क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हम लोग एक होटल में अभी स्टे किए हैं इलाहाबाद में, तो अब रात का टाइम है, तो सब खाना खा रहे हैं। तो अब देखिए हमारे एक चाचा हैं, वो पूजा कर रहे हैं खाना खाने से पहले, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अरे आप पूजा करिए, कहाँ गए आप? ओ भोजन मंत्र पढ़ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। चलो आपको और सब लोगों के रूम में लेके चलते हैं। सच उठे हैं अभी अभी, मॉर्निंग हुआ है, जस्ट सब सो के ही उठे हैं। देखो देखिए क्या चल रहा है, इधर देखते हैं घर पे, तो सब ऐसी टीवी चलती है आराम से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे लेट में यही लड़की उठी है। मैं नहीं उठी हूँ। फिर अगर जगेंगे तो सोएंगे कैसे भैया? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल? बहुत ही नींद खा रहे हैं, पहले से तो ठीक ही है। नहा धो लिया, फ्रेश हो गया हम लोग, सब लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे सीधे संगम घूमने के लिए। तो सबका ब्रेकफास्ट चल रहा है बस, के बाद हम लोग तैयारी करते हैं जाने के लिए। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो लाओ मैं आपको खाती हूँ यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ें खाती हूँ। यहाँ पे एक है आदि मानवों के ज़माने का स्कूटर, स्कूटर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार चीज़। तो मुझे इस होटल की यही लगी, यहाँ पे जो स्कूटर है इतना पुराना है, इसको दीवार पर टांग रखा है। क्यों रेस क्यों नहीं होगी? तुम्हारे पापा रोज हार जाते हैं, क्यों नहीं होगी रेस? हर बार पीछे हो जाते। तो कहाँ चले, कहाँ चले? संगम जा रहे हैं अब हम लोग संगम, फिर इस होटल की बाय 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 बाय। हम लोग फिर एक नई जगह जा रहे हैं घूमने, फिर शायद हम लोग उड़ाई चलेंगे अपने घर। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। हेलो, तुम गुम्मी जा रहे हो? यहाँ पे नाई नाई करनी है। यस पापा, नाई नाई, वी रीच, हम लोग पहुंच गए। कितना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से।
बस सब लोग बस तैयार हो रहे हैं, ये बस दिन भर फोन में घुसे रहते हैं, बस कोई काम नहीं है, सिर्फ फोन फोन फोन। खैर छोड़ो इन्हें, ये देखो कितना बढ़िया व्यू है, बड़ा अभी यहाँ पे बड़े मजे आएंगे, अभी आप लोग भी देखिएगा। और देखिए हमारी गाड़ियाँ लग गई, सब लोग आ चुके हैं, हम लोग बस तैयार हो रहे हैं। देखो ये मेरे मामा हैं, सब तैयार हो रहे हैं, बस नहाने के लिए जा रहे हैं सब संगम। अब बस बोट में बैठेंगे और बढ़िया जाएंगे, आपको भी लेके चलते हैं। ये जगह बहुत प्यारी है, आप लोगों को भी आना चाहिए, यू वे विजिट। देखिए यहाँ ये लोग यहाँ पे रेती छान रहे हैं, अभी ये मेरा घर बनाएंगे यहाँ। ये देखिए इन्हें तो आप जानते ही होंगे ये कौन है, ये डीएस ब्लॉक के एच है, जिन्हें कोई मतलब है नहीं। और ये हैं शिव तिवारी, शट अप तिवारी जी, हेलो बोलो। ये भी मेरे भैया हैं, और बस अब चलते हैं, अब वहीं दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ कितनी सारी मार्केट लगी है, बस चल रहे हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू इलाहाबाद संगम। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, सब लोग नहाने ही आए हैं, हम लोग भी चलते हैं। ये मार्केट तो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, पहुँचते हैं तो दिखाते हैं हम आपको। चलिए 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 चलिए, ये देखिए हम लोग किनारे आ गए, देखो इतनी सारी बोट्स। अरे बस करो, लूट नहीं मची यहाँ, रहने दो बोट्स। अरे चलिए चलिए चलिए, वही चला दूर में गंगा जी है, उस तरफ इस तरफ जमुना जी है, और बीच में अगर आपको कलर्ड वाटर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो ही है संगम। देख सको आप लोग को, देखो दिखाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं हम। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने लिए बोट ढूंढने, यहाँ सब हवा में दाम लगा रहे हैं, हम लोग थोड़े जमीन वाले दाम ढूंढ रहे हैं, और शायद मिल गई, बधाई हो बोट मिल गई। बोट मिल गई है, अब हम लोग इसी से बस जा रहे हैं। मैं जब बोट में बैठ जाती हूँ तब दिखाती हूँ आपको। ठेंगा क्यों दिखा रहे हो, हाय करो। ये हमारी नाव लोड हो रही है। ब्रो आर यू रेडी, ब्रो रेडी, यो ब्रो, बगल वाले ब्रो रेडी, ब्रो रेडी, रेडी रेडी, ब्रो रेडी। हम मिडिल में हैं एकदम, मेरी नौकर में कौन कौन है, ब्रो सब लोग हाथ उठाओ, ब्रो ब्रो। अरे डीएस ब्लॉक को कौन बुला रहा, डीएस ब्लॉक रुक जा, डीएस ब्लॉक सीधे बैठो, सीधे तो बैठो। बेबी 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 देखो, और ऐसे जी क्या व्यू है ब्रो, ब्रो ये मेरी मामी है ब्रो, और सबकी गाथाएं शुरू हो गई, आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं बंद करती हूँ।
लेकिन एकदम ये हमारी नाव है, ये ठीक है, पीछे वाली ओवरलोड है, देखो अच्छी लग रही है। तीसरी बार में ये वीआईपी बोट है। अरे होगी कुछ, क्या पता, सब देख रहे हैं। उधर में धारा तेज है, बच्चे लोग। हाँ ठीक है ठीक है, जहाँ पे सुविधा है वहीं लगाएंगे। देख रहे हो वहाँ कितना तेज धारा चल रहा है, वो गंगा जी। लेडीज बच्चे आराम से उतर के नहा लिए, वो गंगा जी है। ये भी हम लोग जमुना जी में ही हैं। की नैया कोना की, गंगा मैया कोना की, थोरे कोना के लछे मारे राम, गंगा मैया धीरे बहोरे कोना के लछे मारे राम, गंगा मैया धीरे बहो। जल्दी गए नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा मैया के वट की नैया, दशरथ के लछ माड़े राम, गंगा मैया धीरे चलो। राजा दशरथ के लछ माड़े राम, गंगा मैया धीरे चलो। कौन दीने राज सिंहासन, कोना ने दीन राजा सिंहासन, कोना ने दए बने बास। पहुंच गए हम लोग, और ये अब हमने अपनी गाड़ी का लिया है यहाँ पर, बस आ गए। ब्रो ब्रो हमें हमें आप दिख रहे थे, आप क्यों नहीं दिखे थे? आप तो है ही, आप कैसे जा सकती है? बच्चों क्या जानो पानी मिला फोटो नहीं लेंगे हम, वीडियो बनाएंगे। फोटो नहीं ले सकते, वीडियो बन रहा है, कूदो। गोल्डी गोल्डी जी कह रहे हैं।
हम लोग जा रहे हैं। हम लोग पहले ही बता रखा है ना कहाँ जा रहे हैं, कितनी बार बताए गंगा जी जा रहे हैं। आप लोग भी चलो, अच्छा है। क्या कर रहे सब लोग? बताशे पार्टी हो रही है। अरे मम्मी से लिया जाता है। ये नए बताशे वाले हैं, नए बताशे वाले, बताशे वाले अंकल, अंकल बताशे पीछे, बताशे पीछे, फ्री में, फ्री में, फ्री में बताशे। तीखा वाला है, मेल्ट हो जाएगी पीछे। आ गए हम लोग नहा धो के, सब दुनिया खड़े हैं, हर गंदे हैं मेरे छोड़ नहा कर ये। ए मुर्गो कहां गए सब लोग? कहां आए हैं कि नहीं? अभी अब नहाने के बाद एक हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के मंदिर आए हैं, इलाहाबाद में ही है ये भी। आइए चलिए चलते हैं। यहाँ की एक कथा है कुछ, वो आपको गोल्डी भैया बता देंगे क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं यहाँ पे। या 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 क्या अरे भैया भैया ब्लॉग बनाते हैं, बता दीजिए बजरंग बली के बारे में कुछ स्टोरी, बताइए हनुमान जी की क्या कहानी है। पंडित जी वो बता पाए कोई कहानी? आप बता देंगे, पापा बता देंगे नहीं बता पाएंगे। हां कार्यालय में कायले जो बिठा दिया है, कायले में जो बैठे हैं हनुमान जी वाले। सही है, आप सही है। बताइए इस मंदिर के बारे में, भगवान जी के बारे में। ये हनुमान जी महाराज स्वयं भू है, अपने आप निकली हुई मूर्ति है। गंगा जमुना सरस्वती जी को स्नान कराती है, सभी जगह जल भर जाता है। हनुमान जी के दाहिने हाथ में गदा है, बाएं हाथ में राम लक्ष्मण है, दाहिने पैर नीचे ब्लैक वाली अहिरावण राक्षस है, बाएं पैर नीचे पाताल देवी कांता है, दाहिने पैर के बाजू में मकर ध्वज है जो हनुमान जी के पुत्र हैं। जो व्यक्ति जो कुछ मानता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें किसी भी जाति या धर्म मजहब को मानने वाला मुख्य नहीं, उसका मन स्वच्छ होना चाहिए। क्या आस्था है कि बजरंग बाढ़ आती है तो गंगा जी हनुमान जी डूब जाते हैं उसमें? उनको जल शयन होता है, डूबना नहीं कहा जाता है। जल शयन जल गंगा जी का जलाभिषेक करते हैं। गंगा जी यहाँ तक आ जाते हैं, पूरा माता जी ऐसे भर जाता है, यहाँ पूरा भर जाता है, ये पूरा ये छतों पर पानी रहता है, गेरुआ बराबर एक दो फिर छतों पर पानी रहता है। ये जहाँ खड़े हैं देखो, ये सामने वृक्ष हैं। ओहो हनुमान जी वैसे ये खड़े बन गए, ये पूरा चैनल डूबी हुई, चैनल डूबी हुई, ये देखिए पूरे डूबे हैं, ये देखिए पूरा पेड़, ठीक है ना, ये मंदिर ये मंदिर पूरा डूबा है। ब्रो बाय, फोन कर दीजिए। अच्छा चलिए लिया, गेट खुला है, गेट खुला, 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 गेट खु
आराम। दोस्तों अब घर जाने के टाइम हो गया, मेरी नानी भी अब जा रही है अपने कानपुर अपने घर पे, अब हम लोग भी चल रहे हैं उरई अपने घर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल DH Vlogs। थैंक यू।